Hey students, last lecture में हमने discuss किया था basic of trigonometry and trigonometry identities. ये रही हमारी तीन identities. अब मैंने कहा था कि मैं इनके proof next lecture में करवाऊंगा और मैं आज आपको इनके proofs करवाऊंगा. First identity क्या थी हमारी? Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे ए बी सी एट राइट एंगल एट बी. इसमें हमें क्या चाहिए, साइन थीटा कॉस थीटा. इसलिए हम क्या फाइंड करेंगे, फर्स्टली साइन थीटा. साइन थीटा में पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर क्या है, बीसी. हाइपोटेन्यूज एसी. बीसी अपॉन एसी कॉस थीटा. कॉस थीटा में पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस क्या है ए बी. हाइपोटेन्यूज क्या है एसी. ए बी अपॉन एसी. हमें अब हमें क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे. पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. एसी स्क्वायर स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. अभी हमें इस साइन थीटा के नीचे देख एसी है, एसी है, इसलिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइड कर देंगे एसी स्क्वायर से. एसी स्क्वायर डिवाइड बाई एसी स्क्वायर और इस साइड भी एसी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे. और एसी स्क्वायर एसी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वन आ जाएगा. ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर. ए बी अपॉन ए सी स्क्वायर क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा. एंड बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, बी सी अपॉन ए सी क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा. और हम ऐसे ही लिख सकते हैं और ये हमारी फर्स्ट थ्योरम प्रूव हो गई. अभी मैं आपको सेकंड थ्योरम प्रूव करवाऊंगा जो थी हमारी सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन. सेम वे में हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे और एंगल ए ले लेंगे थीटा एंड एट एंगल बी इज इक्वल टू 90. सेम वे में हम क्या करेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी सेकंड चाहिए एक टैन चाहिए, सेकंड फाइंड कर लेंगे. सेकंड हमें पता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है. हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी अपॉन ए बी. टैन थीटा में पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है. परपेंडिकुलर बी सी अपॉन ए बी. हम अब क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. अब क्या करेंगे, हम डिवाइड नीचे देखेंगे दोनों साइड क्या है, ए बी ए बी. अब इधर क्या डिवाइड करेंगे, हम ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड. ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर. ए सी अपॉन ए बी. ए सी अपॉन ए बी क्या है हमारा, सेकेंड. सेकेंड 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 स्क्वायर आ गया हमारा. और इधर हम इधर सेपरेट करके लिख देंगे ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर. ए कैंसिल होके वन हो गया हमारा. बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर. ए हमारा सेकेंड हो ही गया था, ए वन हो गया. बी सी अपॉन ए बी. बी सी अपॉन ए बी टेन थीटा, लेकिन स्क्वायर है टेन स्क्वायर थीटा. और ये हमारा टेन स्क्वायर थीटा को हम इधर ले जाएंगे और हमारी ये सेकेंड आइडेंटिटी प्रूव हो गई. अब मैं आपको थर्ड आइडेंटिटी प्रूव करवाऊंगा जो थी हमारी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन. सिमिलर वे में हम एक ट्रायंगल ले लेंगे ए बी सी. हम फिर क्या करेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी हमें प्रूव करने के लिए कोसेकेंट थीटा चाहिए, कॉट थीटा चाहिए. फिर हम ट्रायंगल से कोसेकेंट थीटा फाइंड कर लेंगे. कोसेकेंट थीटा हमें पता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है. हाइपोटेन्यूज ए सी अपॉन बी सी. और कॉट थीटा में पता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है ए बी अपॉन बी सी. अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे ट्रायंगल एबीसी पे. वो जो थी हमारी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. एसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे, ऊपर इधर देखेंगे बीसी ये दो बोथ साइड है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर बोथ साइड डिवाइड बाय बीसी स्क्वायर कर देंगे. एसी स्क्वायर डिवाइड बाय बीसी स्क्वायर. एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर डिवाइड बाय बीसी स्क्वायर. एसी अपॉन बीसी स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, इधर सेपरेट करके लिख दिया. एबी स्क्वायर अपॉन बीसी स्क्वायर. बीसी स्क्वायर अपॉन बीसी स्क्वायर ये कैंसिल होके हमारा वन हो गया. और एसी अपॉन बीसी. एसी अपॉन बीसी क्या था, कोसेकेंट थीटा. कोसेकेंट थीटा लेकिन स्क्वायर है, स्क्वायर हो गया हमारा. एबी अपॉन बीसी. एबी अपॉन बीसी क्या था हमारा, कॉट थीटा. कॉट थीटा होगा, एक स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लिख दिया. ये हमारा वन हो गया था. और कॉस स्क्वायर थीटा हम लेफ्ट साइड ले गए और ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी प्रूव हो गई. अब मैं आपको इस पे कुछ क्वेश्चन प्रूव कराने जा रहा हूँ जिससे आपको थोड़ी मोटी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. हमें दिया हुआ है एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी एट राइट एंगल एट बी. हमें दिया हुआ टेन ए है जो 5/12 है. हमें फाइंड करना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय सेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा.
वैसे तो हम डायरेक्टली प्रूफ बता सकते हैं ये इसका आंसर क्या होगा, जैसे ये आइडेंटिटी है कॉस का थीटा प्लस साइंस का थीटा, ये हमारा वन होता है, और ये सीकेंस का थीटा माइनस टेंस का थीटा, ये भी वन होता है। इसे हम डायरेक्टली तो बता सकते हैं इसका आंसर वन आएगा, लेकिन हमें प्रूफ भी आना चाहिए ना, इसलिए मैं आपको प्रूफ कराऊंगा। ठीक है, पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में, राइट एंगल पे 90 है बी पे, और टेन ए हमारा क्या है 5/12। हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी 90, ए पे थीटा हमारा सपोज। अब हम ले लेते हैं, इसको लेके आ लेंगे हम, एक कॉमन फैक्टर है जो हमारा बोथ साइड डिवाइड हो चुका है, इसलिए वो हम लेट कर लेते हैं, वो के था, इसलिए ये हमें टेन थीटा में पता है। टेन थीटा हमारे किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बी सी अपॉन ए बी, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेन ए इज इक्वल टू 5k/12k, इससे हमें ये पता चलता है बी सी की वैल्यू क्या है 5k एंड ए बी की वैल्यू क्या है 12k। अब हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे एसी के, एसी फाइंड करने के लिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एसी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। एसी स्क्वायर हमें फाइंड करना है, ए बी हमारी है 12, बी सी है हमारी 5k। और 12 स्क्वायर हमारा हो गया 144k² प्लस 25k², और एसी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारी 169k², और इधर से ले लो प्लस माइनस 13k। हमारी साइड कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकती, इससे हमें पता चलता है एक सी की वैल्यू हमेशा 13k रहेगी। अब हमें एक फाइंड वैल्यू किसकी करनी है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इससे पहले हमें फाइंड करने के लिए साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन थीटा हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है हमारा बी सी, हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। बी सी हमें पता है 5 की है, ए सी हमें पता है 13 की है, 5/13। अब हम करेंगे कॉस थीटा फाइंड, कॉस थीटा कॉस पता हमें बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ए बी हमें पता है क्या है 12k, ए सी क्या 13k, 12/13। अब हम क्या चाहिए हमें सेकेंड, सेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा हमें पता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज ए सी, बेस हमारा क्या है ए बी, ए सी हमारा क्या है 13k, ए बी हमारा क्या है 12k, के कैंसिल 13/12 आ गया। अब हमें चाहिए टेन थीटा, टेन थीटा हमें फाइंड करने के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है हमारा बी सी, बेस क्या है हमारा ए बी, बी सी हमें पता है 5k है, ए बी हमें पता है 12k है, के कैंसिल हो गया 5/12 आ गया हमारा आंसर। अब हम इन सभी वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, कॉस के थीटा, कॉस के हमारे आंसर आया था 12/13, 12/13 का होल स्क्वायर प्लस साइन, साइन का हमारा आया था 5/13 होल स्क्वायर अपॉन ऑफ सेकंड स्क्वायर थीटा, सेकंड का हमारा था 13/12, 13/12 होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन आया था हमारा 5/12, 5/12, 5/12 होल स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, 12 का स्क्वायर 144, 169, 5 का 25, 169 अपॉन 169 अपॉन 144 माइनस 25 ओनली 144, इसे सॉल्व करेंगे 169 अपॉन 144 अपॉन 144, ये आंसर हो गया 1 आंसर हमारा 1 आ गया इस क्वेश्चन का। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन ट्राई करवाऊंगा जिससे आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। इसमें क्या दिया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी,
और हमें एट राइट एंगल एट बी साइन थीटा हमारा 3/5, हमें अदर ट्राई रेशियो फाइंड करनी है। सिमिलर वे में हम क्या करेंगे, फर्स्टली ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे ए बी सी, हमें ए भी ले सकते हैं थीटा से सी ले ले, वो हमारी मर्जी है, मैंने सी को लिया थीटा। अब हमें गिवन क्या है, गिवन क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 3/5। वैसे हमें पता है हमें एक कॉमन डिवीजन है जो डिवाइड हो चुका है, इसलिए हम ए लेट कर लेंगे जो बोथ साइड को डिवाइड कर चुका है। वैसे हमें पता है साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी अपॉन ए सी। वैसे को गिवन क्या था, साइन थीटा किसके इक्वल है, 3k/5k। इससे क्या पता चलता है, ए बी किसके इक्वल है 3k, ए सी किसके इक्वल है 5k। अब हम क्या करेंगे, बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हम चूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू प्लस इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर हमें क्या था 5k होल स्क्वायर प्लस बी सी क्या था हमारा, बी सी हमें फाइंड करना है बी सी स्क्वायर, ए बी क्या था हमारा 3k, 5k होल स्क्वायर 25 स्क्वायर, बी सी हमें फाइंड करना अभी, और 3 का स्क्वायर हमारा आ गया 9k स्क्वायर, और ये हमें बी सी स्क्वायर एक साइड रख के दूसरी साइड ले जाएंगे 9k को, जिससे क्या आएगा बी सी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 16k स्क्वायर के इक्वल आ गया, और बी सी की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 4k। लेकिन साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, सो हमें क्या पता चलता है बी सी की वैल्यू क्या आ गई 4k वैल्यू आ गई। अब हमने सारे ट्राई रेशियो फाइंड करने हैं, साइन थीटा तो हमें दिया ही हुआ है क्वेश्चन में जिसकी क्या वैल्यू है 3/5। अब हमें कॉस थीटा फाइंड करना है, कॉस थीटा हमें पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस क्या है बीसी, हाइपोटेन्यूज क्या है एसी, बीसी हमें बीसी हमने फाइंड निकाल चुके हैं जो कि है 4k, एसी हमने भी निकाल लिया है कि जो कि 5k, आंसर क्या आएगा 4/5। अभी tan theta, tan theta में पता है perpendicular upon base, perpendicular क्या है AB, base क्या है BC, AB by BC, AB हमने निकाल लिया था जो कि है 3k और BC क्या है 4k, KK cancel हो गया 3/4 आ गया। अभी हमें क्या चाहिए, cosecant theta, cosecant theta में पता है hypotenuse upon perpendicular के equal होता है, hypotenuse क्या है AC, अब परपेंडिकुलर क्या है ए बी, ए सी की वैल्यू क्या थी हमें 5k, ए बी की वैल्यू क्या थी 3k, के कैंसिल हो गया, इसका आंसर क्या आ गया 5/3। अभी हमें चाहिए secant theta, secant theta हमें पता है किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, बेस क्या है बी सी हमारा, ए सी की वैल्यू हमारी क्या थी 5k, BC की वैल्यू हमारी क्या थी 4k, KK कैंसिल हो गया जिसका आंसर क्या आ गया 5/4। इसके बाद हमें क्या चाहिए, cot theta, cot theta में पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है, जो कि बेस क्या है BC, वो परपेंडिकुलर क्या है AB, बेस हमारा BC परपेंडिकुलर क्या है AB, BC की वैल्यू क्या थी 4k, AB की वैल्यू क्या है 3k, KK कैंसिल हो गया जो कि आ गया 4/3। हमने और ट्री रेशियो फाइंड कर लिया है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो मेरी मेल आईडी दी हुई है, आप मेल आईडी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है मुझे मेल में बताइए, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा जल्दी से जल्दी। अगर मेरे से वीडियो में कोई भी गलती हो रही है तो कमेंट करके बताइए, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था वीडियो बनाने के लिए, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए सॉरी, बाकी मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।